नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में अगर आप जमीन या फ्लैट या मकान कई भी चीज़ें खरीदना या बिक्री का काम करते हैं तो उसमें वहां पर उर्दू ऑपरेटर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए बिहार सरकार ने इनके लिए वैकेंसीज निकाली थी। उर्दू ऑपरेटर के साथ साथ यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट की भी वैकेंसी निकाले जाने की बात की गई थी। ये खबर है दोस्तों मार्च 2017 की, यानी कि आज से 3 साल पहले ये घोषणा हुआ था। लेकिन चुप क्यों रही सरकार आखिर इस वैकेंसी के ऊपर, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आपको बता दें कि इसके अधिकारी जो है उनका क्या कहना है इन सभी वैकेंसीज को लेकर, चूंकि बिहार में 124 ऐसे कार्यालय हैं जहाँ पे उर्दू ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट की नियुक्ति की जानी थी। ठीक है, 124 में अगर 10-10 की भी रिक्रूटमेंट ली जाए, है ना, तो करीब 1200 से भी ज़्यादा पदों की वैकेंसी निकलती है दोस्तों। लेकिन इस वैकेंसी को यहीं पे रोक दिया गया था 2017 में ही, आगे इसकी बातें की नहीं गई। अब यहाँ पे मामला निकलकर सामने आया है जिसके बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से सारा अपडेट ले सकेंगे। दोस्तों, क्या कहते हैं अधिकारी इसके बारे में भी हम बताएंगे, और आखिर कब तक आएगी इस वैकेंसी को यहाँ पे लाया जाएगा इसके बारे में भी आपको सारा डिटेल देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, आज सुबह मैंने एक और अपडेट दिया था बिहार दरोगा की बहाली को लेकर, इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको भी ये सारी न्यूज़ अपडेट हो सके। अगर आप रिक्रूटमेंट के लिए ये चैनल देखते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप हैं। IOCL में 500 पदों की यहाँ रिक्रूटमेंट की जानी है अप्रेंटिस की, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उससे इंपॉर्टेंट एक वीडियो मैंने कल दिया था दोस्तों SSC सिलेक्शन पोस्ट को लेकर। जी हाँ, फेज़ 8 की तरफ से यहाँ पे 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट हैं या इंजीनियरिंग कर रखा है आपने, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं इन 1355 पदों के लिए, जो कि SSC फेज़ 8 की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और लिंक एक्टिवेट हो चुका है, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसका आवेदन भी कर लीजिएगा। चलिए लेकर चलते हैं अब आपको इसकी ऑफिशियल अपडेट पर, जो कि आज की खबर प्रभात में दी गई है। उर्दू के ऑपरेटर एवं कार्यालय सहायक की नहीं हुई है बहाली। आखिर क्यों नहीं हुई है बहाली, 3 साल पहले इसकी की गई थी घोषणा, इसके बारे में अपडेट दिया गया है इस माध्यम से। और 124 कार्यालयों में की जानी है भर्ती, तो 124 कार्यालय में अगर 10 भी वैकेंसी देती है, एक कार्यालय में 10 भी वैकेंसी होती है इन डेटा ऑपरेटर्स की, तो यहाँ पर करीब 1200 से भी ज़्यादा नए पदों की सृजन हो सकती है, नए पदों का रिक्रूटमेंट हो सकता है। दोस्तों, संवाददाता बताते हैं कि जिन सरकारी महकमों के, खासकर निबंधन विभाग में उर्दू में कामकाज होते हैं, वहां उर्दू को जानने वाले एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर या कार्यपालक सहायक की तैनाती करनी है। जी हाँ दोस्तों, यहां पे अगर आदेश पता चले तो ये 2017 का आदेश में जारी किया गया था, कि लेकिन 3 साल के बाद भी यह व्यवस्था लागू नहीं की कर पाई है सरकार। यहाँ पर कहीं भी उर्दू जानने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली नहीं हुई है। राज्य में मौजूद करीब 144 निबंधन कार्यालय ऐसे हैं जिनमें कि इन ऑपरेटर की बहाली को प्राथमिकता के स्तर पर यहाँ पर प्रवेश देना था, जिसमें कि मद निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग ने भी सभी जिलों में मार्च 2017 में पत्र लिखा था, उसके बावजूद भी इसके अब तक के इनकी बहाली नहीं हुई है। तो ये कितना बड़ा यहाँ पे मामला सामने है दोस्तों, करीब 124 ऐसे कार्यालय हैं, यहाँ ऑफिसेज की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों एक डेटा एंट्री ऑपरेटर और एक यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों क्या, तो असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट की, तो इनकी नियुक्ति होनी है हर एक डिपार्टमेंट में। इसके अलावा कई ऐसे पोस्ट हैं, अगर मान लीजिए कि डेटा एंट्री ऑपरेटर कोई ऑफिस एक जो है एक ही तो लेगा नहीं, जाहिर सी बात है वो कम से कम 5 या 6 या 10 कम से कम मिनिमम मान के चलिए हर विभाग में चाहिए ही चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, और मान के चलिए जो सहायक हैं कार्यालय सहायक उनको भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है बिल्कुल। तो ये लोगों का वैकेंसी नहीं लिया न जाना, और यहाँ पे काफ़ी लेट करना, 3 साल तक अगर ऐसी वैकेंसी, अगर मान लीजिए हर साल अगर 1000 वैकेंसी भी निकालती है ये सारे विभाग, तो कितने लोगों की नौकरी हो सकती थी। लेकिन 3 साल तक ये सरकार चुपचाप बैठी हुई थी, इसकी बहाली की प्रक्रिया को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा था। इसके बावजूद इसमें अभी तक इनकी बहाली नहीं हुई है। फरवरी 2019 में नालंदा समेत कुछ अन्य जिलों में इसके लिए विज्ञापन भी निकाले गए थे। देखिए, 2019 में इसके लिए विज्ञापन निकाला तो गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो मामला आगे बढ़ा ही नहीं। चूँकि बिहार है, बिहार में
ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ऐसी मन घड़त जो कहानियाँ बनती हैं नौकरियों को लेकर, वो कुछ गलत नहीं बनता है, बिल्कुल सही बनता है। इन सभी रिक्रूटमेंट को रोका गया, आगे बढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे नौकरियाँ निकलती हैं तो जाहिर सी बात है जो लोग उर्दू जानते हैं उनके लिए खासकर यहाँ पर अच्छी खासी रिक्रूटमेंट हो सकती थी। इस मामले के अलावा यहाँ पर मदरसा बोर्ड में भी शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी, मैं आपको उसका अपडेट भी अपने चैनल पर दे चुका हूँ, चैनल पे जाके सारी डिटेल आप देख सकते हैं। पर मदरसा में साइंस टीचर्स और कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसी जो निकाली गई थी उसमें उसको रोक लगा दिया गया और उसको स्थगित कर दिया गया। उसका कोई माई बाप नहीं है कि उस बोर्ड को भी कोई देखे या वहाँ पे जो भी वैकेंसीज हैं उसके बारे में कोई चर्चा करे, किसी को क्या पड़ी हुई है, और ना ही कोई प्रोटेस्ट करने जा रहा है। जो प्रोटेस्ट करने जा रहा है तो वो लाठीचार्ज खा रहा है या फिर यहाँ पे उनको पानी की बौछारें फेंके जा रही हैं उन पे, ऐसा मामला हो रहा है। तो बिहार में कैसी सरकार है, बेरोजगारी कितनी बढ़ाई जा रही है, ये आप खुद देख सकते हैं। आखिर क्यों नहीं वैकेंसीज़ को निकाल के रद्द क्यों किया जा रहा है, बस एक ही तो सवाल है इनका सरकार से। और निकलता है वैकेंसी तो धांधली होता है, धांधली होने के बाद सारे चीज़ें व्यवस्था ठप पड़ जाती है, जो फाइनली जो एग्ज़ाम होता है वो कोर्ट में चला जाता है, फिर एक दो साल तीन साल के बाद उनकी सारी प्रक्रियाएँ बताई जाती हैं कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके मामले भी आगे नहीं बढ़े। उसी तरह वर्तमान में अभी जो राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में जमीन फ्लैट मकान समेत अन्य चीज़ों की रोज़ाना करीब 5000 रजिस्ट्री होती है, अभी 5000 रजिस्ट्री रोज़ाना। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि 5000 रजिस्ट्री होती है जिनमें कि इन उर्दू ऑपरेटर के दस्तावेज जुड़े होते हैं वहाँ से, जिसमें कि 3-4% ऐसे दस्तावेज होते हैं जो कि उर्दू से जुड़े होते हैं, और ख़ासकर किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया समेत अन्य ज़िले हैं जहां पर जिलों को उर्दू में दस्तावेजों की आने की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और कई मामलों में तो ऐसे दस्तावेज हैं कि यहां पर हस्ताक्षर उर्दू में होते हैं, ऐसे में निबंधन कार्यालयों में इन हस्ताक्षरों को पहचानने की बड़ी समस्या होती है। और वर्तमान में रजिस्ट्री के लिए आने वाले उर्दू दस्तावेज को पढ़ने और हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए, पहचान करने के लिए यहाँ पर बाहरी वेंडर या कार्यालय के परिसर में काम करने वाले निजी लोगों को निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे लोगों पर निर्भर होती है, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है इन सभी कार्यालयों में लेकर देखा जाए तो दोस्तों। तो यहाँ पर सरकार आखिर चुप बैठी तो हुई है, पर कहना क्या है इनका इस मामले में। अधिकारी कहते हैं कि इस मामले में समुचित जांच की जाएगी, अभी तक जो जांच हुई नहीं है, अब यहां पे मामला सामने आया है तो इसकी जांच होगी, कहां देरी हुई है इसकी पड़ताल करके इसकी प्रक्रिया को जल्द शुरू की जाएगी। बस इतना कहना है इस आमिर सुबहानी को, और यहाँ पे ये बस इतना बातें बोल के समाप्त हो जाता है। और ये सामान्य प्रशासन विभाग के क्या हैं तो मुख्य अपर सचिव हैं ये, और ये ऐसा बोल के आगे निकल लेते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि वैकेंसी होगी नहीं होगी, लेकिन किसको क्या पड़ी है। शायद आप भी नहीं उठकर जाएंगे इन सभी डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लड़ाई करने, किसी से सरकार के खिलाफ बोलेंगे भी नहीं। वोट देने का सब समय आएगा तो वोट देकर घर में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे शिक्षित ही लोग नहीं है कि किसको यहाँ पे जाके वोट देना है। शिक्षित लोग हैं भी तो कोई लोग जहाँ पे धर्म पे वोट देते हैं तो कुछ जातिवाद पे वोट देते हैं, और काम पे किसी को वोट मिलता नहीं है। काम पे मिलता भी है तो ऐसे वोट आपके मिसयूज हो जाते हैं कहीं ना कहीं, जहाँ पे आप देना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं बिहार में, लेकिन इस वैकेंसी का कौन माई बाप है, इसके बारे में कौन सारी डिटेल देगा, इसका कोई अता पता नहीं है अभी तक फिलहाल। लेकिन फिर भी इसकी वैकेंसी के बारे में अभी अपडेट में आपको एक बता दूं कि मार्च में इसकी नियुक्ति ली जानी है, ठीक है। इसके लिए रिक्रूटमेंट जारी किया जाएगा मार्च में, जैसा कि हमें कार्यालयों से पता चला है, ठीक है। और वो अपडेट मैं आपको मार्च में ही दे पाऊँगा ऑफिशियली, जब इसके ऑफिशियल अपडेट दिए जाएंगे। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो नियुक्तियाँ हैं दोस्तों, इसके बारे में सारा डिटेल आपको देता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, जो भी अपडेट मुझे मिल पाएगा, जैसा कि इस न्यूज़ के माध्यम से यहाँ तक मैंने आपको पहुँचाया है। तो दोस्तों ये सारे अपडेट थे यहाँ से, डेटा एंट्री ऑपरेटर, उर्दू ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट को लेकर। आपके क्या डाउट हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, आपकी राय क्या है, क्या होनी चाहिए इसकी व्यवस्था, इसको भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं बिल्कुल। लेकिन किसी को अपशब्द ना लिखें यहाँ पर, किसी सरकार को या किसी भी नेता को कुछ मतलब नहीं है ना लिखने को, ठीक है। अपशब्द लिखने से कुछ नहीं होगा, अपना हक अगर पाना है तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपडेट था दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर, जो कि मैंने आप तक शेयर किया है। आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, अपने भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुँचे और कुछ इसकी जानकारी उनको भी मिल पाए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। और एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।